हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंटिफिक चैनल पे। इस चैनल पे हम हमेशा ही साइंस के ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसका कॉन्सेप्ट हमें क्लासरूम में सही से क्लियर नहीं हो पाता है, या तो फिर हमारे टीचर सही ढंग से नहीं बताते हैं। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट और टीचर को किया था, बट किसी ने मुझे सही से इसका आंसर नहीं बताया। ये क्लास नाइन का हीट चैप्टर का है, क्लास नाइन के हीट चैप्टर में है। वेपर्स टू टाइप के होते हैं, यानी बाष्प दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड वेपर और एक अनसैचुरेटेड वेपर, यानी संपृक्त बाष्प और असंपृक्त बाष्प। क्वेश्चन यह है कि सैचुरेटेड वेपर डज नॉट फॉलो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, बट अनसैचुरेटेड वेपर फॉलो बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। ये कैसे होता है? बॉयल्स और चार्ल्स लॉ अनसेचुरेटेड वेपर ठीक ही मान के चलते हैं, लेकिन वो सेचुरेटेड वेपर यानी जिसमें अधिक क्वांटिटी में मॉइस्चर हो, वह बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ को नहीं मानते, यहाँ तक कि प्रेशर लॉ को भी नहीं मानते। ये कैसे है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज़। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। बस यही क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक नया कुछ सीखते रहिए।